गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। संत गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय हो। सत साहेब। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए? ये कोरबा छत्तीसगढ़ से आए हैं। जो छत्तीसगढ़ से आप आए, हरियाणा में आया हिसार के अंदर, तो छत्तीसगढ़ में भी आपके बहुत सारे धर्मगुरु है, शंकराचार्य है, आचार्य है, महंत है, तो बहुत सारे धर्मगुरु है, कथावाचक भी है, तो उनके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनसे नाम दीक्षा क्यों ली, उनके शरण में कैसे आए? जी हम ज्ञान से परिचित हो के, ज्ञान से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान के आधार पर हम सदगुरु रामपाल जी के महाराज के शरण में आए हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी? जी परमात्मा ने ज्ञान में बताया है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, दुर्गा अष्टंगी के पति कौन हैं, उनके बारे में हम लोग को सब जानकारी दिए, और परमात्मा पूर्ण परमात्मा कौन हैं जो उन सब के सबसे परमेश्वर, तो उनसे सबसे बड़े हैं, उनके बारे में बताया, वो कबीर परमेश्वर हैं करके हमको ज्ञान में बताया, और उन्हीं से आप उन्हीं के सर में जाओगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अजन्म मृत मृत्यु से आपको रोग से छुटकारा मिलेगा, अभी आपको इस जन्म में भी सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। यानी आपका कहने का भाव है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो ज्ञान है उनका ज्ञान समझ करके आए, तो जो उनका ज्ञान है और जो अन्य संतों का ज्ञान है, क्योंकि कथा तो वो भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो उस ज्ञान के अंदर क्या डिफरेंस है? जी उनसे ज्ञान में डिफरेंस ये है कि भगत जी भैया जी वो शास्त्रों के शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्रों में जैसे वेदों में पुराणों 18 पुराण गीता भागवत, हाँ जो आज के समय में जैसे कि देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो उन्माद फैला हुआ है, जाति के नाम पर दंगे हो जाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं, तो एक भीड़ इकट्ठी होती है धर्म के नाम पर, किसी की हत्या तक भी कर देती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनके अंदर कोई जाति पात या धर्म के नाम पर कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं? हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जाति पाति धर्म को मिटा रहे हैं, उनका नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम यहाँ पर जब आए, जब इस काल के लोक में, तो ना कोई धर्म था ना कोई जाति थी, है ना, हम सब ने जो है यहाँ धर्म और जाति बना लिए और अलग अलग मजहब बना लिए, और शुरू स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई धर्म जाति नहीं था, और यह सब जो है हमारे वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, तो शास्त्र विधि के अनुकूल शास्त्रों में जो लिपिबद्ध है उसी को ही हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हम सबको बताते हैं, जो कि आज तक चारों युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हजारों लाखों करोड़ों अरबों शंकराचार्य महामंडलेश्वर विद्वान पंडित हुए, लेकिन आज तक किसी ने शास्त्र के अनुकूल भक्ति साधना नहीं बताया, जबकि उन सब के सब ने उनको पूरा रट लिया, घोट लिया, मुखाग्र याद कर लिया, उसके बावजूद में उसमें लिखी कुछ और है और हमें बताया कुछ और है। आज तक हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति विधि क्या है, ये नहीं बताया, जबकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, चारों धर्म के धर्म ग्रंथ में, हिंदू का 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र गीता में, मुसलमान का कुरान में, ईसाई का बाइबिल में, सिख का गुरु ग्रंथ साहब में, एक जगह नहीं अनेकों जगह सबका मालिक एक का नाम केवल कबीर परमेश्वर कबीर साहब लिखी हुई है। लेकिन यानी आपका कहने का मतलब है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना ज्ञान देते हैं? बिल्कुल सर। जो संत रामपाल जी महाराज है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो सामाजिक कल्याण के कार्य है, उनमें क्या सहयोग देते हैं? वो जो है सभी धर्मों के लोगों को उन्हीं के जो धर्म ग्रंथ में जो लिखी गई है केवल उसी से अवगत कराते हैं, हिंदू को हिंदू के जो धर्म ग्रंथ हैं। जो आज के समय में जो चल रही कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा है, नशा है, उनके विरुद्ध यानी संत रामपाल जी महाराज क्या कार्यक्रम अपने अनुयायियों के द्वारा करवा रहे हैं? ये जो है जितने प्रकार की नशीली पदार्थ में लिप्त है समाज, है ना, जितने प्रकार की मांसाहारी में, शादियों में जो है जितनी दहेज प्रथा है, ये सबको जितनी कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं, हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी को मिटा रहे हैं,
अभी तक हमारे हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ लोगों ने यह सब कुरीतियों को छोड़ दिया है, और जो सदगुरु रामपाल जी के शरण में आ जाते हैं वह इन सब कुरीतियों को तुरंत छोड़ देते हैं। तो यह समाज सुधार का और जितने कुरीतियों का जो है सुधार करने के लिए हमारे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज वही ज्ञान बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध है। धन्यवाद। सदगुरुदेव की जय हो।